बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स की। पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास इकोलॉजिकली तीन ग्रोथ मॉडल्स हैं जिनकी बात हम लोग करते हैं, ज्योमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक। अब ध्यान में क्या रखना है कि ज्योमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ मॉडल्स हैं वो उन स्पीसीज के लिए यूज़ में आते हैं जो कि जहाँ पे रिसोर्सेज जो हैं वो अनलिमिटेड हैं, रिसोर्सेज जो हैं अनलिमिटेड, या हम कह सकते हैं रिसोर्सेज आर नॉट लिमिटिंग, इसको ऐसे भी कहा जा सकता है। और ये दोनों ही कैसा कर्व शो करते हैं, ये जे शेप कर्व पैटर्न शो करते हैं, ठीक है। यानी जब आप ग्राफ बनाएंगे तो आप देखेंगे कि इसी तरीके से ग्रोथ इंक्रीमेंट में आपको दिख रही है। तो कोई भी ग्रोथ इंक्रीमेंट करती हुई कब दिखेगी, जब आपको पता होगा कि हाँ वहाँ पे रिसोर्सेज की कोई बंदिश नहीं है, वहाँ पे लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड व्यवस्था है। तो ऐसी ही ग्रोथ को क्या बोलते हैं, प्रोडिगियस ग्रोथ बोलते हैं। अब ये इसमें कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि इस तरह की ज्योमेट्रिक या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करेंगे, वो करते हैं जो कि बेसिकली एक होते हैं जो ब्रीड ज्योमेट्रिक वो करते हैं जो कि पीरियोडिक ब्रीडर्स होते हैं, और जो एक्सपोनेंशियली कौन करता है, जो कि कंटिन्यूसली ब्रीड कर रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है, पीरियोडिक मतलब ये हम लोग के पास बहुत सारे एग्जांपल हैं कि बहुत सारे, चाहे एनिमल ऑर्गेनिज्म को लीजिए चाहे प्लांट ऑर्गेनिज्म, तो कुछ जो है वो सीजन के अकॉर्डिंग ब्रीड करते हैं, राइट। और एक्सपोनेंशियल में क्या होता है, जैसे ह्यूमन का एग्जाम्पल ले ले कि वो जब भी एक रिप्रोडक्शन एज में आता है तो वो कैपेबल है वो कंटिन्यूसली रिप्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर सीजन में ही वो रिप्रोड्यूस करेगा। तो अगर इसमें आप ह्यूमन का एग्जांपल याद रखें तो आपको याद रहेगा कि यहाँ पे क्या है, एक्सपोनेंशियल मींस कंटिन्यूसली ब्रीडिंग, ज्योमेट्रिक मीन्स जो ज्योमेट्रिक कौन से होते हैं जो कि पीरियोडिकली यानी किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड या सीजन के अकॉर्डिंग वो लोग ब्रीड करते हैं। हालांकि दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, दोनों ही जे शेप कर्व मॉडल शो करेंगे। दूसरी सिमिलैरिटी क्या है दूसरी सिमिलैरिटी क्या है दोनों में दोनों ही जे शेप कर्व मॉडल दिखा रहे हैं, तो रिसोर्सेज दोनों के लिए ही क्या है, अनलिमिटेड है। पर लॉजिस्टिक क्या हो जाता है, रिसोर्सेज यहाँ पे क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, ये ध्यान में रखना है, लिमिटेड होते हैं। एंड लॉजिस्टिक में दोनों ही पीरियोडिक ब्रीडर्स भी आ जाएंगे और कंटिन्यूस ब्रीडर की भी बात हो सकती है, ठीक है। तो लॉजिस्टिक में आपको जे शेप कर्व नहीं दिखेगा, आपको कुछ एस शेप कर्व दिखेगा, इस तरीके से कर्व दिखेगा। तो फिलहाल हम लोग किस पे बात करेंगे, ज्योमेट्रिक कर्व की बात करेंगे। तो फिर से इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखना है, ये जे शेप कर्व मॉडल में आएगा, प्रोडिगियस कर्व दिखाता है, ग्रोथ दिखाता है, रिसोर्सेज जो हैं दे आर नॉट लिमिटेड, और ये पीरियोडिक ब्रीडर्स होते हैं जो ज्योमेट्रिक ग्रोथ दिखाते हैं। ओके, तो हम लोग ने जैसा बात की कि पहले हम लोग जे शेप कर्व मॉडल पे बात करेंगे, और जे शेप कौन कौन दिखाता है, ज्योमेट्रिक दिखाते हैं और एक्सपोनेंशियल दिखाते हैं। और ये क्या होते हैं, ज्योमेट्रिक जो है पीरियोडिकल होते हैं। इनमें क्या होता है, मैथमेटिकल डिफरेंस होता है जो हमें कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। एक्सपोनेंशियल में क्या याद रखना है, ह्यूमन का एग्जाम्पल याद रखना है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग किस पे बात करेंगे, पहले ज्योमेट्रिक पे। तो ज्योमेट्रिक की अगर हम लोग बात करें तो अनलिमिटेड पॉपुलेशन ग्रोथ होती है यहाँ पे, क्योंकि ज्योमेट्रिक वे में कर रहे हैं, ये पीरियोडिक ब्रीडर्स के लिए जे शेप कर्व हमें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। अब ज्योमेट्रिक में हमें फॉर्मूले पे आ जाते हैं, इसमें आपको ज़्यादा मेहनत इसलिए नहीं करनी है कि हम लोगों ने लाइफ टेबल में हम लोगों ने इस तरह की चीज़ों के बारे में बात की थी कि एन टी क्या होता है, ये पॉपुलेशन साइज है फीमेल एट जनरेशन टी, ठीक। क्योंकि जो नेट रिप्रोडक्शन रेट निकाला भी जाता है वो किसके एन पे निकाला जाता है कि कितने फीमेल्स, कितने फीमेल ऑफस्प्रिंग को जनरेट कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हम लोगों ने लाइफ टेबल में इनके इम्पोर्टेंस के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ एन टी क्या है,
एनटी क्या है? पॉपुलेशन साइज ऑफ फीमेल्स एट जनरेशन टी. एनटी प्लस वन क्या इज द पॉपुलेशन साइज ऑफ फीमेल एट जनरेशन टी प्लस वन. आर क्या है? अब देखिए यहाँ पे वो था स्मॉल आर, इज द नेट रिप्रोडक्टिव रेट और नंबर ऑफ फीमेल्स प्रोड्यूस पर फीमेल पर जनरेशन. ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं टी क्या है, इट इज द नंबर ऑफ जनरेशन. ठीक, एन नॉट इज द नंबर ऑफ फीमेल्स करेंटली इन द पॉपुलेशन. तो मेनली क्या है, ये जो फॉर्मूला था इसको थोड़ा और आप कह सकते हैं अपग्रेडेशन हो गया हो, ज्योमेट्रिक टाइप ऑफ पॉपुलेशन को आप इस तरीके से निकाल सकते हैं और हम लोग अभी अंतर वो देखते हैं. तो ये ध्यान में रखना है कि ज्योमेट्रिक पॉपुलेशन के लिए जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो क्या है, एन टी इक्वल्स टू इनिशियल पॉपुलेशन इन टू आर नॉट टू रेज टू द पावर टी. तो अब देखते हैं, इफ फॉर एनिमल 100 इज द पॉपुलेशन साइज ऑफ फीमेल एट जनरेशन टी, नेट रिप्रोडक्टिव रेट और नंबर ऑफ फीमेल प्रोड्यूस पर फीमेल पर जनरेशन इज 1.5. तो यहाँ पे आर नॉट क्या दिया हुआ है, सिंपल दिया हुआ है डायरेक्टली 1.5. वॉट विल बी द साइज आफ्टर फिफ्थ जनरेशन. अब आपको क्या कैलकुलेट करना है फिफ्थ, ये इसी चीज़ की हम लोगों ने अभी लाइफ टेबल वाले में बात की थी. ठीक, और वहाँ हमने कहा भी था कि आपको ये जो चीज़ है एक मॉडल में फिर से हम लोग का डिस्कशन आएगा. तो अगर वहाँ नहीं क्लियर हुआ है तो आज आपको ये क्लियर हो जाएगा. तो वहाँ पे भी इसी तरह का सवाल था. तो यहाँ क्या करना था, सिर्फ आर नॉट को इनिशियल पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो यहाँ पे अगर फर्स्ट जनरेशन में कितनी पॉपुलेशन होगी तो क्या करना है, 1.5 × 100. ठीक है, 150 आ गई. सेकेंड जनरेशन में क्या होगा, सेकेंड जनरेशन में जो इनिशियल पॉपुलेशन है वो कौन सी बन जाएगी भाई, जो पहले जनरेशन में जितनी बनी होगी, तो 150 × 1.5 आ जाएगा ये सेकेंड. अब थर्ड जनरेशन में क्या हालत होगी, थर्ड जनरेशन के लिए पॉपुलेशन साइज कितनी होगी, इनिशियल पॉपुलेशन कितनी है भाई, जो सेकेंड जनरेशन में जितनी पॉपुलेशन होगी वो थर्ड जनरेशन के लिए इनिशियल बन जाएगा फॉर्मूला में. और आर नॉट तो वही रहेगा 337. उसी तरह से फोर्थ में, तो ये आपका यहाँ आ गया और ये 1.5. फिर फिफ्थ जनरेशन में ये इस तरीके से. अब इसी चीज़ को हम लोग और कैसे कर सकते हैं इससे, तो ये आपके लिए बेस्ट वन हो गया. एन टी इक्वल्स टू, एन टी क्या है यहाँ पे क्या है, यानी फिफ्थ जनरेशन के लिए पूछा गया है, एन फाइव इक्वल्स टू 100. तो जितने के लिए पूछा गया है रेज टू द पावर 5, यहाँ टी की जगह क्या कर देंगे 5. ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा. तो इस तरीके से अगर ज्योमेट्रिक जो कि पीरियोडिक ब्रीडर्स होते हैं, जे शेप कर्व दिखा रहे हैं, जे, अब यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं, देख रहे हैं कि पहले 150 थी, फिर 225 हो गई, फिर 33. अगर आपको कर्व बनाने के लिए कहा जाए तो देख रहे हैं कि आप यहाँ पे लिख दें नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, यहाँ हो गया टाइम. तो आप देख रहे हैं इस तरीके से ही जाएगा, क्योंकि पहले इंडिविजुअल 150 हो गए, फिर 125 हो गए, फिर 337, फिर 506, फिर 5, फिर 759. तो आप देख रहे हैं बार बार क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट, इसी तरीके से ग्राफ इंक्रीमेंट हो रहा है एक पॉपुलेशन का. तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो गया अकॉर्डिंग टू द ज्योमेट्रिकल मॉडल. तो अब हम यहाँ से एक कंक्लूजन भी ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर आर नॉट, ये हम लोगों ने कल भी बात की थी लाइफ टेबल के कंटेंट से, कि आर नॉट इज लेस देन 1, द पॉपुलेशन इवेंचुअली डिक्लाइंस टू एक्सटेंशन. अगर हम लोग पर कैपिटा ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंग देखें तो क्या होता है, आर नॉट, अगर सॉरी पर कैपिटा आर जो है वो लेस देन 1 है तो वो भी वही डिफाइन करता है, या नेगेटिव है तो क्या होता है, एक्सटेंशन को होगा. आर नॉट बराबर है 1 के तो वो कॉन्स्टेंट है या इक्विलिब्रियम पे है. पर यहाँ पर कैपिटा में क्या था, कांस्टेंट कब होगी, जब आर इक्वल्स टू 0 होगा. तो आप ये याद रखना है कि वहाँ पर कैपिटा ग्रोथ रेट की बात हुई थी, है ना, यहाँ आर इक्वल्स टू 0, तो फिर रिमेन्स, दैट रिमेन्स कांस्टेंट. ओके, यहाँ आर इफ 1 तो पॉपुलेशन इंक्रीज. तो हम लोग को पता ही है, देखिए देख भी लिया कि 1 पॉइंट
क्या था, कितना था, 1.5। अब 1.5 के रेट से हर जनरेशन में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। देखिए 1.5 स्टिल है, पर 1.5 ही एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल हो रहा है इस पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए, क्योंकि हर बार वो 1.5 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये पॉजिटिव वैल्यू है जिसकी वजह से हमें इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। ओके, तो अब हम लोग ग्राफ भी देख सकते हैं। तो अगर आर नॉट जो है थोड़ा सा भी इवन, अगर आप देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ देखिए आर नॉट अभी 1.05 था तो हमारा कर्व ऐसे आया, ठीक है, इंक्रीज तो हो रहा है बट थोड़ा, पर बस 0.05 और बढ़ा तो 1.1 हुआ, कर्व कितनी तेजी से शिफ्ट हुआ। यानी सोचिए सिर्फ आर नॉट का थोड़ा सा बढ़ना मेजर इंक्रीज ले आता है पॉपुलेशन ग्रोथ में, सिर्फ सोचिए। फिर 0.05 बढ़ा और ये 1.5 की कितना तेजी से पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, और ये 1.2 पे और जे शेप, मतलब और इंक्रीमेंट हो रहा है। तो आप देख रहे हैं सिर्फ फ्रैक्शन में ही इंक्रीमेंट हो रहा है और तेजी से हमें पॉपुलेशन साइज के स्तर में चेंज देखने को दिख रहा, वो भी कैसा चेंज, क्योंकि ये सब पॉजिटिव वैल्यूज की ही तरफ जा रहे। तो और अगर नेगेटिव होता तो नेगेटिव की साइड गिरता, ठीक है, तो ये डिक्लाइनमेंट में होता, पर यहाँ पे तो हमें हमेशा 0.0505 ये बढ़ता जा रहा है, और सिर्फ सोचिए सिर्फ 0.05 के अंतर पे हमें कितना मेजर इंक्रीज। तो ये स्टेटमेंट्स में भी ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो जितना ज़्यादा वैल्यू बढ़ती जाएगी उतनी तेज पॉपुलेशन की ग्रोथ होगी, तो इसीलिए इसको ज्योमेट्रिक ग्रोथ कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें ये ग्राफ से दिख रहा है जो कि हमें पता होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं ज्योमेट्रिक जो है, एक आपको ज्योमेट्रिक जो वाले क्वेश्चन है आप उनको दो तरीके से सॉल्व, एक तो आर नॉट के बेसिस पे सॉल्व कर सकते हैं, जहाँ पे अगर पूछा जाए कि इतने जनरेशन में कितनी पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, ठीक है, फिफ्थ जनरेशन, तो आपके पास सिंपल सा फॉर्मूला आपके सामने है, तो इस तरीके से ये आप यूज़ करो। एक है लैम्डा के बेसिस पे, एक्चुअली लैम्डा क्या होता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ फाइनाइट रेट ऑफ इंक्रीज, इसके बेसिस पे भी आप निकाल सकते हैं। तो जैसे फर्स्ट ईयर में इनिशियल पॉपुलेशन थी 100 की, नेक्स्ट ईयर 110 बन गई, ओके, तो अब जो फाइनाइट आप लैम्डा इसके बेसिस पे निकाल सकते हैं। तो लैम्डा क्या होता है, तो लैम्डा नेक्स्ट जनरेशन में कितनी हुई, एन वन माइनस एन नॉट, ये आपने कर दिया तो आपका वैल्यू आया कितना, 1.1। तो यहाँ लैम्डा हमारे पास कितनी आ गई, 1.1 वैल्यू आ गई। सिर्फ लैम्डा निकालने के लिए करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो नेक्स्ट ईयर में डिवाइडेड बाय इनिशियल ईयर। तो जब आपको लैम्डा वैल्यू मिल जाएगी, लैम्डा वैल्यू निकालने के बाद आप ये फॉर्मूले को अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सिर्फ वही, यहाँ पे आर नॉट था, अब यहाँ लैम्डा निकल, आर नॉट की वैल्यू दी रहेगी पर हो सकता है लैम्डा आपको निकालना पड़े। तो आर नॉट की वैल्यू तो डायरेक्टली दी रहती है, अब लैम्डा की वैल्यू जैसे इस को एग्जांपल में आप देख रहे हैं, कंसिडर अ पॉपुलेशन ऑफ बर्ड्स ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 5% पर ईयर, 5% पर ईयर, तो यानी कि हर बार 105 का आएगा, तो यानी कि नेक्स्ट ईयर जो होगी वो 105 हो जाएगी, अभी कितनी है 100 है, तो आप निकाल सकते हैं। तो ये कितनी वैल्यू आएगी, आएगी 1.05। तो आपने लैम्डा निकाल लिया इस क्वेश्चन में, जैसे ही लैम्डा निकला नाउ यू हैव टू यूज़ दिस फॉर्मूला। तो इसमें क्या पूछा है कि 5 साल बाद जो है कितने बर्ड्स होंगी, तो 5 साल बाद अब आप वो वाला फॉर्मूला नहीं यूज़ कर सकते एन टू एन नॉट इन टू आर नॉट, क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ नेट रिप्रोडक्टिव रेट तो दिया नहीं है। तो ऐसे कैलकुलेशन में अगर ज्योमेट्रिक की बात की जा रही है तो आपको लैम्डा यूज़ करना है। आपने लैम्डा निकाल लिया, तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 100 थी इनिशियल पॉपुलेशन वॉज 100, लैम्डा वॉज 1.05, फिर 5 आपने अप्लाई कर दिया और 5th जनरेशन के लिए आपको निकालना है, तो यहाँ 5 लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 127.6। ओके, नेक्स्ट क्या है, कभी कभी ये हो सकता है आने वाले समय में कि क्यूमुलेटिव फाइनाइट रेट,
मतलब इतने ही पूरे टाइम पीरियड में क्यूमुलेटिव यानी पूरे पांचों साल का क्या फाइनाइट रेट ऑफ इंक्रीज है, तो उसको निकालने के लिए देन यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। तो आप उसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए एनटी यानी फिफ्थ जनरेशन में कितना आया है, कितनी टोटल पॉपुलेशन है, डिवाइडेड बाय इनिशियल पॉपुलेशन, ठीक, माइनस वन, ये पूरा आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास आएगा 27.6। तो आप क्या है इसका मतलब, यहाँ पे भी डिफाइन किया हुआ है कि द पर्ट पॉपुलेशन हैज ग्रोन बाय 27.6% ओवर 5 ईयर्स, 5 साल में। अभी क्या निकाल रहे थे, 1 साल में कितना लगभग है, अभी क्या निकाल रहे हैं, 5 साल में लगभग क्यूमुलेटिव जो रेट ऑफ इंक्रीज है वो कितना है, 27.6। तो पांचों साल का आपने एक साथ बता दिया। अब एक ये है एवरेज फाइनाइट रेट इंक्रीज में क्या है, यहाँ पे आप एवरेज निकालने के लिए आप ये कर सकते हैं। तो एटलीस्ट कम से कम फॉर्मूला तो याद रखिए, क्योंकि अभी शायद डायरेक्टली आपसे सिर्फ यही पूछ ले कि एवरेज और क्यूमुलेटिव में, क्योंकि बट प्रिपेयर आपको रहना है। तो एवरेज अगर निकालना है तो एन टी डिवाइडेड बाई एन नॉट, तो 127.6 डिवाइडेड बाई 100 रेज टू द पावर 1/T, यानी 5 ईयर्स की पूछा गया है तो 1/5, देन यू कैन यूज दिस, तो 5% पर ईयर एक एवरेज रेट के साथ इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन। अब ये है हाउ लॉन्ग विल इट टेक द बर्ड पॉपुलेशन टू रीच 200, कितना समय लगेगा 200 तक पहुंचने में। तो फिर से इसी को रीअरेंज किया जा रहा है, राइट, एन टी जो वाला था एन टी एन नॉट इन टू क्या था लैम्डा टी ऐसे था, इसी को रीअरेंज कर दिया गया है। तो लॉग एन टी लॉग एन नॉट प्लस टी लॉग लैम्डा, इसको सॉल्व करके आप बता सकते हैं कि जो बर्ड पॉपुलेशन है 100 लगभग उसको 14.2 ईयर्स लगेंगे 200 पॉपुलेशन तक पहुंचने में, लगभग 14 साल का समय चाहिए वहां तक पहुंचने के लिए। तो ये आपको लॉग यूज करके आप निकाल सकते हैं। तो एटलीस्ट कम से कम तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला ही डायरेक्टली पूछा जा सकता है अभी के केस में। तो और जो पिछले हैं कम से कम यहाँ तक तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये तो मस्ट है आना कि अगर हमें रिप्रोडक्टिव रेट नहीं दी है तो ज़रूर कहीं ना कहीं, और ज्योमेट्रिक पॉपुलेशन की बात की जा रही है तो लैम्डा का आपको यूज़ करना है। तो एटलीस्ट यहाँ तक फॉर्मूले में आप निकाल सकते हैं, बाकी सभी फॉर्मूले जो हैं वो आपको ध्यान में रखने चाहिए, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। अब आपके पास फिर से वही बात, ज्योमेट्रिक के कैलकुलेशन के लिए आप आर नॉट और लैम्डा को यूज़ कर सकते हैं। आर नॉट के लिए ये फॉर्मूला अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, लैम्डा दिया हुआ है, तो यू हैव टू यूज दिस वन। और बाकी आप जो चीज़ इंफॉर्मेशन आर नॉट के बारे में थी, वही इंफॉर्मेशन जो है वो लैम्डा के बारे में भी है, कि अगर आर नॉट जो है ज़्यादा है वन से, तो उसी तरह लैम्डा अगर ज़्यादा है वन से तो पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी, अगर वन से कम है तो डिक्रीज करेगी, और वन है लैम्डा तो सेम इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग द कर्व पैटर्न। और कैसा कर्व पैटर्न हम लोगों को देखने को मिला था, इसी को बोलते हैं जे शेप कर्व पैटर्न देखने को। तो ज्योमेट्रिक में हमें जे शेप देखने को मिलता है। ओके, तो ये एक है द नेट रिप्रोडक्टिव रेट आर नॉट इज 1.5, तो दिस इज फॉर अ गिवन, इफ एन टी द पॉपुलेशन ऑफ जनरेशन टी इज 500, तो यहाँ पे दिखा इनिशियल पॉपुलेशन वॉज 500, तो आपने ये वैल्यू को यहाँ लिख दिया, नेट रिप्रोडक्टिव इज 1.5 यहाँ लिख दिया, कितने 4 जनरेशन के बाद पूछ रहा है तो 4 लिख दिया, एंड देन यू कैन कैलकुलेट द सेम। तो ये हम लोगों का पूरा इन्फॉर्मेशन, आज हम लोगों ने बात की सर्वाइवरशिप कर्व के बारे में, पूरे ग्रोथ रेट्स के बारे में, सारे फॉर्मूले के बारे में, और फिर मॉडल्स हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है ज्योमेट्रिक। तो कल नेक्स्ट हम लोग एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक कंप्लीट करेंगे। तो एक्सपोनेंशियल ज्योमेट्रिक अगर क्लियर हो जाएगा, और जो आज ग्रोथ रेट्स
दिए गए हैं। जैसा बताया, थोड़ा सा ये ध्यान में ज़रूर रखना है, क्योंकि मैंने शुरू में मेंशन नहीं किया कि हाँ स्पेसिफिक ग्रोथ रेट और जो पर कैपिटा ग्रोथ रेट जो है उसको क्लियर करते हुए आप फॉर्मूले को सॉल्व आउट कर सकते हैं और फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये मॉडल्स, तो अच्छे से आप लोग इसकी पढ़ाई करें। ओके,